एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो जैसे कि आप कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई चीज़ हो, मनी हो, कुछ भी हो, वो क्यों आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही है, क्यों वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है या फिर क्यों वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार क्यों फेल हो जा रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। क्यों ये रुकावटें आ रही हैं और इस रुकावटों का रीज़न क्या है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। तो आप देख लेना, आपको जो पॉइंट, जहां भी आपको लग रहा है कि आप यहां अटक रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में ही बात करते हैं। जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए, आप उसे विजुअलाइज करते हैं, प्रेजेंट में रहकर करते हैं, जैसे कि वो हमारे पास है। अभी जो चीज़ हमें चाहिए वो अभी है हमारे पास, आप ये सोचते हैं, फुल फीलिंग के साथ करते हैं ये, आप पूरा इसे विजुअलाइज करते हैं बहुत ही अच्छे से, पूरी फीलिंग के साथ करते हैं। लेकिन ये जो मैनिफेस्ट वाला टाइम होता है, ये टाइम जैसे ही फिनिश्ड होता है, ये हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप पूरे दिन ये सोचने में निकाल देते हैं कि ये कैसे होगा, ये चीज़ मेरे पास कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, कब तक होगा, और बस यही सारी टेंशन में आप पूरा दिन निकाल देते हैं। आपने ये चीज़ कर लिया है, जब आपने प्रेजेंट में रहकर मैनिफेस्ट किया है, आपके पास वो चीज़ है, तो फिर आपको क्यों सोचना है ये कि वो चीज़ आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, क्यों, कैसे, कब, ये सब सोचना ही क्यों है? फिर तो आपका पूरा मैनिफेस्ट किया हुआ सब तो बेकार हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पूरे टाइम इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। हमने थोड़ा सा टाइम उसको दिया, जो भी हमें चाहिए मैनिफेस्ट कर लिया, बस वो हो गया, अब उसके बारे में नहीं सोचना है हमें। अगर हम बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं होने वाली है, वो काम नहीं करेगा। और फिर हम जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि नेगेटिव, हम टेंशन हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो वो फिर ज़्यादा टाइम तो हमने उस चीज़ को दिया है ना, तो फिर वही सब मैनिफेस्ट होगा, जो फालतू की चीज़ें हैं, जो हमें चाहिए वो तो हमारा दूर जा रहा है ना, वो तो अलग है, और पूरा टाइम हमने इस पे दे दिया जो हमें नहीं चाहिए, तो फिर मैनिफेस्ट तो हो ही रहा है ना, टेक्निक तो काम कर ही रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम कर रहा है, बट हमें लगता है कि वो काम नहीं कर रहा। तो जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, आपने कोई पौधे लगाए हैं, ठीक है, आपने बीज डाला, ठीक है, पौधे लगाने हैं, उसको बीज डाला आपने, अब उसको आप बीज को रोज़ निकाल निकाल के देखोगे कि ये उग रहा है या नहीं, ये ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो होगा ग्रो, नहीं होगा ना। तो बस ऐसा ही है, आप मैनिफेस्ट करो, छोड़ दो उसे, वो होगा, आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको विश्वास है, आप विश्वास पे छोड़ दो उसे कि वो चीज़ है आपके पास, तो फिर आपको उस चीज़ के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बस यही करना है। और एक और चीज़, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल भी, तब जाके आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये चीज़ भी, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपका वो ड्रीम हो, कुछ भी हो, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ है, आप जैसे कि मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको गाड़ी चाहिए, बंगला, गाड़ी, घर, कुछ भी हो गया, लेकिन वो चीज़ अगर किसी और के पास है और आप उसे देख रहे हो, और फिर आप वो जेलसी वाली फीलिंग आ रही है आपको कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है, उसको देखो कितना हैप्पी है, कितना खुश है, आप के अंदर से ना जेलसी हो रही है उसको देख के, तो फिर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आप उस चीज़ से दूर हो रहे हो, क्योंकि ना
फीलिंग्स, आप जो जो भी फीलिंग्स होगी ना आपकी, बस यूनिवर्स को वो समझ में आता है, तो उसे लगेगा कि आपको उस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, आप जेलसी फील कर रहे हो, आपको उस चीज़ से तकलीफ़ है, मीन्स कि आपको वो चीज़ नहीं देनी है, तो बस आप उस चीज़ से दूर होते चले जाओगे। तो जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, चाहे वो आपके पास है या किसी और के पास है, तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। आप जो भी टेक्निक कर रहे हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको पूरे विश्वास के साथ करना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप 3-4 लोग बैठे हुए हैं और वो 3-4 लोग किसी मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, और आपने सुना कि हाँ उस मंदिर में जाने से सारी मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो कुछ भी हो, तो आपने उस जगह के बारे में, उस मंदिर के बारे में किसी और से भी पूछा, कुछ और लोगों से मिले आप, उनसे भी आपने पूछा, वो सब ने भी कहा कि हाँ ये बात सही है, उस मंदिर में जाने से सारी इच्छा पूरी होती है, ठीक है। आपको विश्वास हो गया, आपका विश्वास पक्का हो गया, आपने ये मान लिया, आप जा रहे हैं उस जगह पे, आप उस जगह पे जाएंगे, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं भी होगा ना, तो भी आपने विश्वास किया है, आपको पूरा विश्वास है, तो वो चीज़ आपने जो भी वहाँ पर बोली है वो पक्का पूरा होगा, क्योंकि आपको विश्वास है, आपको खुद पे विश्वास है, भगवान आपके अंदर भी है, तो आपको अगर विश्वास है तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, और 100% मिलेगी। ये इसी तरह काम करता है, आपको विश्वास होना चाहिए। कैसे आएगा, कब आएगा, वो सब छोड़िए, आपको विश्वास करना है यूनिवर्स पे, हाँ वो देने के लिए ही बैठे हैं, वो दे देंगे आपको, आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप अगर आप ऊपर से कोई चीज़ फेंकते हो तो वो नीचे गिरेगी, आपको पता है वो नीचे गिरेगी, ऊपर तो जाएगी नहीं, वो नीचे ही गिरनी है, तो बस ऐसे ही है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको विश्वास होना चाहिए और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आप मैनिफेस्ट करो, आपको विश्वास करना पड़ेगा, पूरा पूरी फीलिंग के साथ आपको करना पड़ेगा ये, तो फिर बस आपको भी यही करना है, पूरे विश्वास के साथ, पूरी फीलिंग के साथ करनी है आपको, और फिर करने के बाद उसको वहीं पर छोड़ देना है, उसके बारे में पूरे दिन नहीं सोचना है, ना टेंशन लेनी है। आप दूसरा काम करो कोई, अगर बीच में दिमाग में आपके वो बात आती है कि कैसे होगा, तो आपको बस वहीं पे चेक करना है कि नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, आपको चेकिंग भी करनी है खुद की कि कहीं वो, अगर नेगेटिव थॉट तो आएंगे ही, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आएंगे आने दो, लेकिन आपको नहीं सोचना है, डीपली नहीं जाना है, आप आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये नेगेटिव है, हटाओ इसे, कुछ और काम में लग जाओ, इस तरह से आपको करना है, और फिर देखो क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर बस आप भी कर लोगे, देख लो कौवे की आवाज़ आ रही है, कौवा बोल रहा है, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, तो बस ऐसे ही, ठीक है। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कोई भी सैड वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आपको अंदर नहीं लानी है, ठीक है, तो बस यही है, और ये करके देखो, ज़रूर होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और छठ पूजा है तो सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और जैसे छठ पूजा में भी बोलते हैं ना, ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा में जो भी छठी मैया से मांगो वो पूरा होता है, तो यहाँ पर भी हमारा ये विश्वास ही काम करता है ना, अगर हमें विश्वास है तो वो हो जाता है, हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये पूरा हो जाएगा, हमने ये बोल दिया है अब ये पूरा हो जाएगा, तो बस आपको भी यही करना है, ठीक है। तो फिर बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहो, खुश रहो, लव योरसेल्फ।